हेलो जी, नमस्कार। किचन कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स बनाना जैगरी वनीला कुकीज। जी हाँ, आज हम जैगरी से कुकीज बनाने जा रहे हैं। ये कुकीज जितनी टेस्टी लगती है उतनी ही हेल्दी भी है और बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे एक बार तो ट्राई कीजिए। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं कुकीज। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं 100 ग्राम बटर डाल रही हूँ। मैंने अमूल बटर लिया है, ये नॉन सॉल्टेड है, आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। हम इसमें करीब आधा कप जैगरी डालेंगे, गुड़ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें करीब चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पका हुआ केला लिया है, हम इस केले को भी इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं मिश्रण को मिक्स करने के लिए एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग कर रही हूँ। मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें आधा कप ओट्स डाल देंगे। ये ओट्स नॉन फ्लेवर ओट्स है और इसमें मैंने करीब आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। अब हम इस पूरे मिश्रण को भी ग्राइंडर की सहायता से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। ये मैदा है, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी इसमें उपयोग में ले सकते हैं। ये मैंने करीब 1 कप मैदा लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा कर मिश्रण में डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए मैं किस तरह से स्पैचुला की सहायता से मिश्रण को मैदे में मिक्स करती जा रही हूँ। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और उसे स्पैचुला की सहायता से मिक्स करते जाएंगे। कुकीज बनाने के लिए डो हमारा तैयार हो गया है। हमने इस डो में बनाना केले का उपयोग किया है, इसीलिए ये डो नॉर्मल कुकी के डो के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा या यूँ कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा थिन है। अब हम एक प्लास्टिक रैपर रोल की सहायता से इस डो को, इस बाउल को अच्छे से रैप कर लेंगे और इसे करीब 20 से 25 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। करीब 20 से 25 मिनट बाद हमने बाउल निकाल लिया है। डो काफ़ी ठंडा है। डो कुकीज़ बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसमें से एक पोर्शन निकाल लेंगे। हमने जो पोर्शन निकाला है उसे हम हाथों की सहायता से अच्छे से मसल लेंगे, उसको अच्छे से नरम कर लेंगे। डो को गोला कर दीजिए और एक प्लास्टिक शीट पर डो को रख दीजिए। उसे प्लास्टिक रोल से कवर कर दीजिए और कुकीज़ बनाने के लिए उसे एक शेप दीजिए। कुकीज़ बनाने के लिए मैं हाथों का ही उपयोग कर रही हूँ, पर आप चाहे तो बेलन का उपयोग भी कर सकते हैं। उसे एक जैसा प्रॉपर शेप दीजिए ताकि कुकीज़ एक ही आकार में बने और उसे ठीक ही रखिए। देखिए इस तरह से ये तैयार है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे कुकीज़ बनाने के मोल्ड लिए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप का मोल्ड चूज़ कीजिए। उसे इस तरह से आटे में डिप कीजिए और कुकीज़ का शेप बनाते चलिए अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ राउंड शेप लिया है, देखिए इसकी थिकनेस देखिए। मैंने इस तरह से कुकीज़ बनाई हैं। आप भी इस तरह से
अलग अलग शेप बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है और उस पर पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर इस तरह से गोल काट कर रख लिया है और अब मैं इस पर कुकीज रख रही हूँ। हम अपनी मर्जी से अलग अलग शेप की कुकीज बना सकते हैं। बचे हुए डो को हम फिर से गोल आकार देंगे और वैसे ही शेप देकर उसकी कुकीज काट लेंगे। इस तरह से हमारे पास जितना भी डो है हम उसे सेम प्रोसेस से पहले एक शेप देंगे और फिर उस शेप से अलग अलग मोल्ड से अलग अलग शेप की कुकीज बना लेंगे। यहाँ मैंने राउंड शेप में दो छोटी और बड़ी दो आकार की कुकीज बना ली है। यहाँ मैंने कुछ टूटी फ्रूटी ली है और इसे मैं कुकीज के ऊपर इस तरह से सजाऊंगी। आप चाहे तो बादाम, पिस्ते इनका उपयोग भी कर सकते हैं। हम अपने बचे हुए डो से भी इसी तरह से कुकीज बना लेंगे। अब हम इन कुकीज को बेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसे गरम कर लेंगे, उसमें एक जाली रख देंगे इस तरह से। अब हम कुकीज के प्लेट को इस पैन के ऊपर रख देंगे और इसे इस तरह से ढक देंगे। करीब 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पैक होने देंगे। आप इसे माइक्रोवेव या ओवन में भी बना सकते हैं। आप इसे अगर ओवन में बनाते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए इसे बैक करें। देखिए हमारे कुकीज धीरे धीरे बैक हो रही है। करीब 35 मिनट के बाद कुकीज अब पूरी तरह से बैक हो गई है तो हम इसे ठंडा होने देंगे। कुकीज तैयार है। क्रिस्पी, क्रंची, टेस्टी और हेल्दी कुकीज तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो उन्हें एक लाइक दीजिए, मेरी रेसिपीज को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।